हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको समोसे बनाने की विधि बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप उसका पेस्ट किस तरह से तैयार करिए। सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और उसके हाथ से मैश कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें किसी चीज़ से ग्राइंड नहीं किया है, केवल हाथों से ऐसे मैश कर लिया है। और मैंने थोड़े से काजू और बादाम लिए थे, जिसको मैंने बटर डाल के हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ये बटर डाल के मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। मैंने पनीर ली है, मैंने मटर लिया है। मटर को मैंने पहले गर्म पानी में भिगो के और उसको मैंने निकाल के रख रखा है। नमक है, धनिया मैंने आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा लीजिए, नहीं पसंद है मत लीजिए। और कोई कोई जो है बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए कोई डालता भी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं डालते। मैंने हरी मिर्च बारीक काट लिया है, अदरक काट लिया है, मैंने जीरा लिया हुआ है थोड़ा सा। मैं ये आपका चाट मसाला है, ये आपका गरम मसाला है, और ये मैंने ग्राइंड करके रख रखा है। इसमें धनिया, जीरा और लाल मिर्च मैंने पहले रोस्ट कर लिया है कढ़ाई में, और उसको फिर मैंने पीस के रख लिया है। इसको तैयार करके पेस्ट तैयार करके रख लिया है। अब मैं इसका पेस्ट बनाने की विधि आपको बताती हूँ कि कैसे पेस्ट इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने गैस ऑन कर दी। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी, हाई फ्लेम करके मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी, से थोड़ा खुशबू अलग से आ जाती है। देख रहे होंगे इसमें निकल रहा है। हमने इसमें जीरा जीरे को तड़के के लिए डालती हूँ। चाट मसाला डालते हैं और गरम मसाला। जितना चटपटा आप चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। और मैंने जो ये धनिया, जीरा और मिर्च का पेस्ट बनाया है, जो तीनों को ग्राइंड करके रखा है, मैं इसको भी इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें जो भुना मसाला था मैं उसको भी ऐड कर रही हूँ। मैंने ऐड कर दिया और फिर इसको आप चलाते रहिए। अब आप इसमें जो मटर और नमक स्वाद अनुसार और धनिया, ये तीनों चीज़ें भी ऐड कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, चलाते चलाते ये पेस्ट का कलर कैसा हो गया। देखिए, लग रहा है ना समोसे के पेस्ट की जैसा। अब इसको आप लो फ्लेम करके, हल्का सा मीडियम फ्लेम करके और इसको भूनते रहिए, क्योंकि हमारा आलू तो ऑलरेडी पका हुआ है। हमारा मटर थोड़ा सा इसमें पक जाए तो कितना रखें, कलर और खुशबू भी उतनी अच्छी आ रही है। अब हमने जो रोस्ट करके काजू और बादाम रखा था, मैंने उसको कट कर लिया है और मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ।
इसको ऐड करने के बाद तो फिर सेम प्रोसेस करना है, इसको धीमे धीमे चलाते रहना है। मैं इसको चला रही थी, आप ये देखिए मैं इसको चला रही हूँ अभी भी, और हमने सारे इंग्रेडिएंट्स अपने इसके अंदर डाल दिए हैं। बस केवल हमारा एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स बचा है, केवल पनीर। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे सबसे लास्ट में। इसमें भरने के लिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और अब हम बताएंगे समोसे के लिए उसका आटा कैसे डोबा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि समोसे के लिए आटा कैसे गूंथते हैं उसका। मैंने आधा किलो मैदा लिया हुआ है और मैदे में मैं थोड़ा सा, फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे कि मैंने मैदा लिया और मैदे में मैं थोड़ा सा अजवाइन, हल्का सा अजवाइन मिक्स करती हूँ, और इसमें बहुत ही हल्का नमक जो है मिक्स करती हूँ, क्योंकि हमने पेस्ट में नमक ऑलरेडी डाल रखा है, इसलिए मैं इसमें बहुत ही हल्का सा नमक यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं रिफाइंड ऐड करती हूँ। रिफाइंड आप उतना डालिए जितने में ये ऐसे हाथ में गूंदने में ऐसे मुट्ठी में बन जाए मैदा, उस तरह से इसको रिफाइंड को ऐड करना है। आप देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा डालते डालते आप इसको ऐड करते जाइए। अगर आपको लगता है कि इतना सफिशिएंट है तो इतने में ही रहने दीजिए, अदरवाइज आपको लगता है कि हाँ इतना नहीं सफिशिएंट है तो आप इसमें और रिफाइंड डाल के इसको मोइन और ज़्यादा सा दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा गूंथ लिया है, गूंथ के तैयार कर लिया है। मैंने ये आटा थोड़ा सा हार्ड गूंथ लिया है और इसको हम आधे घंटे के लिए अभी रखेंगे, जिसमें ये थोड़ा सा और जो है मतलब कि गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा और सॉफ्ट थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम इस आटे से फिर हम समोसे बनाने शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आधा घंटे हो गए हैं, मैं इसको ओपन कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा सा देखिए हल्का हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। अब मैं इसकी लोइयां बना के और जैसे पूड़ी की तरह बनाते हैं उस तरह से लोइयां इसकी बना के, और इसको ना ज़्यादा पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलना है, इसको मीडियम साइज़ का बेलना है। और इधर इसको मैं बेलने के लिए मैंने ये दो लिए हैं लोई, और ये मैंने अपना पेस्ट निकाल के अलग रख लिया है, और मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है और अभी हाई फ्लेम पे कर दिया, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म हो जाए, और जिसमें हम तब तक हम इधर समोसे का ये जो आपका आटा है, मैं इसको समोसा भरना आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बेलते हैं और इसका समोसा कैसे भरते हैं। आपको एकदम रोटी की तरह बेलना है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें आटा नहीं लगाना है, इसको हल्का सा रिफाइंड के साथ ही लेके और इसको धीरे धीरे फैलाते जाना है, ना कि आटा लगा के रोटी की तरह आपको फैलाना है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको बेल लिया है एक बड़ी रोटी की तरह, और इसमें मैंने आटा नहीं लगाया है, इसको घी लगा के ही इसको फैलाया है मैंने। अब इसको बीच से हम दो पार्ट में कट कर देंगे। देखा आपने, मैंने बीच से दो पार्ट में इसको कट कर दिया। अब मैं इसको रोल करने का तरीका बताऊँ, उसके बाद इसमें फिलिंग करी जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो है इसको चिपका के ऐसे इस तरह से बना दिया है। अब मैं इसके अंदर फिलिंग डालूंगी और इसको पैक करूंगी। आप देखिए, मैंने ये पूरी फिलिंग इसमें फिल कर दी है और इसको फिर मैं अपने पर्सन से करके पैक करूंगी, और जो देखने में कुछ इस तरह से समोसा आपका लगने लगेगा। अब मैं इसको अपडेट करूँ। ये फ्रेंड्स, ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं चार समोसे, और अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। अब मैं देखती हूँ कि मेरी कढ़ाई गर्म हो गई,
कि नहीं, तो मैं हल्का सा इसमें जो मैंने अभी आटा गूंदा था मैं डाल के देख रही हूँ, तो ये ऊपर आ जाती है मतलब कि मेरी कढ़ाई कर रही है, तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें डीप फ्राई करने के लिए डाल सकती हूँ। और मैं अब इसको डालती हूँ, और जब भी डालिए तो हमेशा आँच को एकदम धीमा कर दीजिए और उसमें धीरे धीरे आप इसको डालिए। इसको एक वन बाय वन में निकाल के प्लेट में रख जाऊंगी। अच्छा कलर और कितना अच्छा टेस्ट शाम को नाश्ते के में आपको खाने के लिए गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे कितना अच्छा रहेगा। मैंने ये चटनी पहले से ही बना के रख रखी है, ये धनिया की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी, आप चाहें तो टमाटो सॉस के साथ भी इसको ले सकते हैं। और ये हमारा नाश्ता शाम का स्नैक्स हमारा तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगे तो आप इसको हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।